नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या प्रत्येक लग्न प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को राशि रत्न पहनने की आवश्यकता होती है या जन्म कुंडली में कुछ विशेष परिस्थितियों में राशि रत्नों का पहनना परम आवश्यक हो जाता है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि राशि रत्न कंपलसरी हैं या विशेष परिस्थिति में उनकी आवश्यकता पड़ती है। बृहत चर्चा होगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से आपको इस विषय को सुस्पष्ट मैं करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। इस विषय की तह तक जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को गंभीरता से समझना होगा। डॉक्टर उसी दवाई को लिखता है, उसी एंटीबायोटिक को लिखता है या उसी टॉनिक को लिखता है जिसकी शरीर में आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति का शरीर बिल्कुल फिट है तो डॉक्टर को किसी प्रकार की कोई दवाई लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन बिल्कुल फिट और स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार फल, दूध, ड्राई फ्रूट या अन्य ताकतवर वस्तुएं खा सकता है, उसके लिए डॉक्टर मना भी नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, विशेष रूप से लग्न का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी, पंचम भाव, नवम, दशम और एकादश, इन भावों के स्वामी में से किसी भी भाव का स्वामी कमजोर है, अति बाल्यावस्था में है यानी कि 3 डिग्री से नीचे है, अति वृद्धावस्था में है 27 डिग्री के ऊपर है, मृत अवस्था में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, तो आपको उस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। लग्न का स्वामी कुंडली में कमजोर है, जो 5 अवस्थाएं मैंने बताई, अति बाल्य, अति वृद्ध, मृत, पाप दृष्ट और पाप कर्तरी, तो व्यक्ति के शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव के स्वामी की कमजोर अवस्था होने पर आपकी बुद्धि पर और आपके संतान पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 9वें और 10वें घर के स्वामी के मृत या बाल्यावस्था या वृद्ध अवस्था में होने पर व्यक्ति को धर्म धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसा व्यक्ति कभी भी कामयाब आमतौर पर नहीं होता। एकादश भाव के स्वामी के कमजोर होने पर इसका सीधा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ेगा। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम और एकादश किसी भी भाव का स्वामी कमजोर है तो योग्य ज्योतिषी की सलाह से उस ग्रह का रत्न अवश्य धारण करें। इससे प्राकृतिक रूप से कुदरती जो कमजोरी आपके जीवन में है वह दूर होगी। लेकिन अब प्रश्न यहाँ उठता है कि हमारे सभी ग्रह स्ट्रांग है, यंग है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, अच्छी अवस्थाओं में है, तो भी क्या हमें रत्न पहनना चाहिए? साथियों, इसका जवाब यह है, बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए रत्न पहनने को मैं आपको मना तो नहीं करूँगा, लेकिन साथ साथ यह भी आपको बता दूँ, यदि आपके सभी ग्रह स्ट्रांग है, युवावस्था में है, तो रत्न पहनने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी एक सफल व्यवसायी को, एक सफल वक्ता को, एक सफल सोशल वर्कर को, एक लीडर को और एक बहुत ही सक्सेस बिजनेसमैन को अपना भाग्य रत्न और अपना राशि रत्न योग्य ज्योतिषी की सलाह से लैब टेस्ट वगैरह करवा के विधि विधान से धारण कर लेना चाहिए। इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है। जिन भावों के स्वामी कमजोर है उसका रत्न तो एक तरह से कंपलसरी हो जाता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से,
लेकिन यदि पूरी कुंडली मजबूत है तो फिर कुछ बहुत ज़रूरत भी नहीं रह जाती, फिर आपकी रुचि पर निर्भर करता है। मैं कामना करता हूँ कम शब्दों में एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। आप को यदि हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सही जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार।